हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे व्हिपिंग पाउडर से व्हिपिंग क्रीम कैसे बनाते हैं। व्हिपिंग पाउडर तो इजीली मार्केट में मिल जाती है, लेकिन क्रीम नहीं मिलती। और व्हिपिंग पाउडर यूज़ करने का फ़ायदा भी ये है कि जितनी चाहे आप पाउडर निकाल के उसकी क्रीम बना दो, और बाकी की पाउडर फिर एयर टाइट कंटेनर में रख दो, और जब चाहे फिर से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन व्हिपिंग क्रीम का पैकेट एक बार खोल दिया तो उसको पूरा यूज़ करना पड़ता है। तो ये है हमारा पाउडर का एक पैकेट, और इसमें से मैंने एक बॉल पाउडर निकाल लिया है। पाउडर निकालने के बाद इस पैकेट को हमें ऐसे फोल्ड करना है, और फिर इसको सेलो टेप से ऐसे स्टिक करके रख सकते हैं ताकि इसमें हवा बिल्कुल भी ना जाए, या फिर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, और जब चाहे बाकी का पाउडर हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पाउडर से क्रीम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में ठंडा पानी लिया है और एक बोल में पाउडर। हम जितना पाउडर लेते हैं उतनी ही क्वांटिटी में हमें पानी लेना है, चाहे आप कप में लें या फिर बोल में लें, लेकिन जितनी पाउडर लेते हैं उतना ही पानी लेना है। लेकिन ध्यान रखिए पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। तो अभी क्रीम बनाने के लिए मैंने एक बड़ी बोल ली है, और उसको भी मैंने 1 घंटे तक फ्रिज में रखा था, और उसमें डाल देंगे ये पाउडर, और जितनी पाउडर है उतना ही बिल्कुल ठंडा पानी। और अब हमें इसको एक स्पून से अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स या फिर गुठलियाँ जैसा बिल्कुल भी ना रहे। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी है, और व्हिप करने के बाद ये क्वांटिटी में डबल हो जाता है। तो अब हम इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर से इसको व्हिप करेंगे। ये सिर्फ 2 मिनट में ही पूरा फूल जाता है, और आप देख सकते हैं व्हिप क्रीम सिर्फ 2 मिनट में कितनी फूल गई है, ये देखिए। और ये सिर्फ 2 मिनट में और बहुत ही सिंपल तरीके से बनने वाली व्हिप क्रीम तैयार है। तो आगे से आपको कभी व्हिप क्रीम बनानी हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। और आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी।